कि रोहिंग्यास और बांग्लादेशी के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है जम्मू की सुरक्षा के लिए, यहाँ की एकता और भाईचारे के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी के लिए, यहाँ की आइडेंटिटी और कल्चर को एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनकी वजह से। और लोगों ने जब इसके बारे में आवाज़ उठाई तो बार बार आश्वासन दिए गए कि इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। रियासती सरकार ने इस संदर्भ में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, लेकिन दो साल के बाद उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि वो इनको बाहर निकालने में असफल है। केंद्र सरकार ने भी बार बार इस बात को तस्लीम किया कि रोहिंग्यास की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जम्मू के अंदर है, पूरे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में रोहिंग्यास कहीं भी नहीं बसते हैं और यहां की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इनके खिलाफ बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के केसेस हैं, जम्मू के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और एक साजिश है इनको यहां बसाने की। और केंद्र सरकार ने यह कहा कि इनको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन साढ़े चार साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई केंद्र की तरफ से भी इनको डिपोर्ट करने के लिए नजर नहीं आती है। हर बार पार्लियामेंट के अंदर एक ही बयान दिया जाता है कि इनकी इन्यूमरेशन हो रही है, इनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स इकट्ठी हो रही है और अब तो केंद्र में सरकार भी जाने वाली है। लेकिन रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो के तू हैं, जब पैंथर्स पार्टी में इस संदर्भ में मुहिम खड़ी की तो हमारे होर्डिंग्स और बैनर्स को उठा दिया गया, लेकिन रोहिंग्यास जो के तू हैं और उनको तमाम सुविधाएं बीजेपी और पीडीपी सरकार ने यहां मुहैया की, उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेट सब्जेक्ट तक यहां मुहैया कराए गए, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, सरकारी स्कूलों में दाखिला, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि कितना बड़ा खतरा जम्मू के लोगों के सिरों के ऊपर मंडरा रहा है और आज की तारीख में भी इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, यह दर्शाता है कि केंद्र और रियासती सरकार किस तरीके से जम्मू के तमाम मुद्दों को बेरहमी के साथ नजरअंदाज कर रही है। उनको जम्मू के इश्यूज के साथ ऐसा लगता है कि कोई भी लेना देना नहीं, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू की अनदेखी के लिए, अपेक्षा के लिए पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, बेनकाब हो चुकी हैं। पैंथर्स पार्टी इस संदर्भ में लड़ाई लड़ रही है कि जम्मू में एकता का, भाईचारे का, शांति का माहौल बना रहे और जम्मू की लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ जो है वो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी ये अपील है तमाम बुद्धिजीवियों से, सिविल सोसाइटी से, आम नागरिकों से, एक मंच पर इकट्ठा हो और पैंथर्स पार्टी की इस मुहिम में शामिल हो ताकि हम अपने कंपोजिट कल्चर को जम्मू के अंदर बचा सकें, डोगरा कल्चर को बचा सकें, अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें और जो खतरा हमारे सिरों के ऊपर मंडरा रहे हैं और जो दूसरी चुनौतियां जम्मू के लोगों के सिरों के ऊपर हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं, उनका एक साथ मिलकर मुकाबला कर सकें। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।